यहाँ के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि इस नदी के पास ही ऊपर में ही उन लोगों को दिख गया, और उसके बाद जो इसकी खबर आई है और ये समाचार आप लोगों ने इसको प्रकाशित भी किया और ये ऐतिहासिक भूमि पता चल गया। फिर यहाँ के माननीय विधायक ने भी हमको फ़ोन करके कहा, हमने कहा ये तो ऐतिहासिक जगह है और ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके लिए तत्काल यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनको भेजा जाएगा। सब लोग आए श्री विजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में, और उन लोगों ने जो पूरी बात को यहाँ देखा उसका थोड़ा जो प्रारंभिक अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो इसके बारे में जो जानकारी मुझको दी, मुझे इतनी खुशी हुई कि तो भाई ऐतिहासिक भूमि है और ये तो साबित हो गया है, इसलिए अब इसको आगे भी और ज़्यादा यहीं पर इसको ठीक ढंग से और देखना होगा और सारी बातों की जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ के इलाके में लोगों को ये इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए थे। तो जैसे ही हमको इसके बारे में जानकारी मिली थी, मेरे मन में एक बात आई कि कहीं ये भगवान बुद्ध के समय का तो नहीं, और फिर पता चला कि 2600 साल पुराना, तो मतलब तो वही हो गया। और फिर यहाँ के गाँव के बारे में भी जब बात पूरी जानकारी मिल गई है तो बहुत आप समझ लीजिए जो ऐतिहासिक बात है वो बात अब सामने आ जाएगी, और इसका जो पौराणिक इतिहास है और इस बात को जान लीजिए, अब आप समझ सकते हैं कि बिहार के विभिन्न कोने में क्या मतलब पौराणिक चीज़ें हैं और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो ये देख करके इतनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि भले ही लोग बिहार की आज उपेक्षा कर रहा हो, लेकिन ये बिहार के विभिन्न हिस्सों में क्या था और सब कुछ था। तो देख करके जैसे ही ये बात हुई तो मेरे मन में था कि हम जा करके भी देखेंगे। अब कल तो तय था, कल का मौसम खराब था तो नहीं आ सके, फिर हमने कहा आज ठीक होगा तो आज जाएंगे, तो आज आ गए और देख लिया, और मैंने सब लोगों से बातचीत भी कर ली है। और इसके लिए जो नदी का धार वहाँ से है उसके बारे में यह भी बात हुआ कि 95 के पहले जो पुराना धार था उसी को फिर से निर्मित किया जाए, ताकि ये इलाका अगर और ज़्यादा इसको अनुसंधान करने के लिए और अगर कहीं खुदाई करनी है तो उसको करने के लिए, और फिर जो गांव तक का इलाका है सब पर नज़र रख के कुछ न कुछ किया जाएगा। जी जी जी। तो ये बहुत ही सब चीज़ों की जानकारी होगी, और ये कोई अपने राज्य के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। और इस तरह के स्थल में फिर तो पर्यटक आएंगे, लोग आएंगे, बहुत अच्छी जगह होगी। और मुझे खुशी है, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ और हमारे जो भी विशेषज्ञ हैं इस काम को कर रहे हैं, हमारे जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, और जितने लोग हम सब लोगों को कहेंगे, जितने भी हमारे जो भी राजनीतिक साथी सब लोग हैं, सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, और जो लोगों के पुरानी बात जो है उसको और उजागर करना चाहिए। तो आज तुम आकर के देख लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ऐसा मत समझिए कि और कुछ काम हम आगे भी नहीं जी, 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 सर सर आर्कियोलॉजिकली अगर प्रूफ होता है तो सर क्या इसको मतलब आगे डेवलप किया जाएगा? बिल्कुल, ये तो हम आपको कह रहे हैं, इसीलिए हम जो कह रहे हैं कि वो तो चानन डैम पर तो हम कई बार आ चुके हैं, हमको मालूम है। हाँ, वही उसी के बारे में भी, उसके बारे में हमने पूछा उन सब चीज़ों के बारे में, और ये कहा है अभी माननीय मंत्री जी भी आए हुए, विजय कुमार चौधरी जी जो पहले देख रहे थे 10 से 15 तक के बीच में, पुनः ये देख रहे हैं, इसलिए ये भी आ गए हैं और देख लेंगे, और सब जगह वहाँ कर का भी जो काम है चानन डैम का वो तो होगा ही। लेकिन जो आप लोगों ने कहा ना कि आर्कियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर जहाँ कहीं भी खुदाई की बात होगी वो होगी, और इसलिए हमने कहा कि जो नदी है ना का धार जो इधर है इसको अगर दूसरे तरफ जो पुराना सबसे ओरिजिनल धार है उसमें अगर डाइवर्ट किया जा सके तो फिर यहाँ पर उसकी खुदाई का अवसर बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।